हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा निवेशक साथियों का हमारे स्टूडियो चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पल पल की खबर आपके लिए लेकर आते हैं, तो दोस्तों ऐसी एक खबर फिर लेकर आए जो हमें पत्रिका अखबार से मिली है। न्यूज़ सुनाने से पहले दोस्तों, हमारा आपसे आग्रह है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि पूरी खबर क्या है। सहारा इंडिया में खाताधारकों की जमा पूंजी लौटाने में कंपनी कर रही है आनाकानी। राशि देने के लिए खाताधारकों को हर दिन बताया जा रहा है नया बहाना। जी हाँ दोस्तों, एफडी की राशि जिन्हें वापस कर रहे हैं वह पूरी नहीं दे रहे हैं, ये भी कहना है निवेशकों का। आगे खबर है दोस्तों, सारा इंडिया के कार्यालय में हर दिन प्रबंधन और खातेदारकों और एजेंटों में विवाद और कई शिकायतें पहुंच चुकी हैं थाने में। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं, बिलासपुर सारा इंडिया के खाताधारकों की जमा पूंजी को वापस करने में कंपनी के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं और कंपनी के रविंद्रनाथ टैगोर चौक के पास कार्यालय में प्रतिदिन खाताधार रकम लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी राशि वापस नहीं की जा रही है। इससे दफ्तर में हर दिन विवाद हाथापाई तक की नौबत आती रहती है। सारा इंडिया में सैकड़ों लोगों ने लाखों रुपया जमा किए, अनेक खाता धारकों ने सावधि जमा एफडी की थी, इसकी राशि परिपक्वता हो गई थी। ऐसे में खातेदार राशि लेने के लिए सारा इंडिया के कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनको आजकल आने की पेशी दे रहे हैं और इससे परेशान खाता धारकों को धुतकार कर भगाया जा रहा है। बैंक के अधिकारियों द्वारा खाते से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ दोस्तों खाताधारकों के साथ अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, थाने में शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सारा इंडिया से पीड़ित और परेशान खातेधारक राशि नहीं लौटाने पर तार बार। जी हाँ दोस्तों, एजेंट मिलकर सहारा के कर्मचारियों की सिर फोड़ रहे हैं, तो दोस्तों निवेशक फोड़ रहा है एजेंट का और एजेंट फोड़ रहा है ब्रांच मैनेजर का। तो दोस्तों ऐसे ही तिगड़ी इस वक्त बूढ़ी फिरी है। खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।